हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दस्तगीर सैयद है और मैं एक अप्लाइड आर्ट स्टूडेंट हूँ। ये मेरा पहला सोलो शो है। कन्ना इन कल्चर से मुझे स्पॉन्सर्ड हुआ है इसका। तो एक प्रोग्राम में जो गेस्ट लोग आए थे, अभी सब लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर फारूक अहमद सर और वीजी अंदानी सर और प्रकाश गढ़कर सर को मैं धन्यवाद करता हूँ। ये जो मेरा फॉर्म है, ये ड्राइंग और सभी मिक्स मीडिया टाइप है मेरा ये वर्क। तो ज़्यादातर मैं ड्राइंग्स करता हूँ, पेन वर्क यूज़ करता हूँ। और जो इस कॉन्सेप्ट में मैंने जो यूज़ किया है वो है नेचर। नेचर में जो बदलाव आ रहे हैं इस टाइम में, उसको लेकर मैंने काम किया है। और नेचर रहने और जो वुमेन के ऊपर हरेसमेंट्स होते हैं, उसका भी मैंने कॉन्सेप्ट लिया है इसमें। ड्राइंग ज़्यादातर मैंने यूज़ किया है, ड्राइंग फॉर्म्स, शेप्स और क्रिएटिव आइडियाज़ भी मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। सो ये जो एग्ज़िबिशन को सभी लोग आए थे इनॉग्रेशन के लिए और जो आर्टिस्ट लोग आए थे, उन सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरा गोल यही है कि मैं इस फॉर्म को आगे तक लेके जाऊँ और नेचर के जो बदलाव हो रहे हैं उसको मैं दर्शकों को उनके तक पहुँचा सकूँ, इसके लिए ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। मैं हूं शाहिद और आप देख रहे हैं आर्ट टीवी, यूनिवर्सल न्यूज ऑफ विजुअल आर्ट। आज के दिन मातोश्री नीलगंगम्मा गुरप्पा अंदानी आर्ट गैलरी में वन मैन शो हो रहा है। दस्तगीर मस्तान साहब दो यंगेस्ट आर्टिस्ट हैं, जहां पर इन्होंने बहुत सारे अपने क्रिएटिव ड्राइंग्स को प्रेजेंट किए हैं। और इस ड्राइंग एग्जीबिशन के इनॉग्रेशन के लिए मनोर हॉस्पिटल, जो गुलबर्गा शहर का पॉपुलर, जहाँ पर गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, सबके लिए एक जैसा ट्रीटमेंट मिलता है और काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ में, आर्ट एक्टिविटीज़ में माने जाने वाले हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर फारूक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस सोलो एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि दस्तगीर मस्तान साहब के आर्ट के बारे में और मनोर हॉस्पिटल के एक्टिविटीज़ एंड आर्ट एक्टिविटीज़, स्पेशली मनोर हॉस्पिटल एक आर्ट एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है, जहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, कॉरपोरेशन एंड दीगर अलग अलग सोसाइटीज़ के साथ जुड़ के आर्ट एक्टिविटीज़ बहुत सारे सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं कि गुलबर्गा में फारूक अहमद साहब का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है आर्ट की दुनिया में। सभी को नमस्कार। आज जो सोलो रिप्रेजेंटेशन दस्तगीर मस्तान साहब ने आज किया है गुलबर्गा में, ये काबिले तारीफ है कि एक इंडिविजुअल लेवल पे एंड स्पेशली एक लड़का जो रूरल बैकग्राउंड से आता हुआ, जिसका ना कोई बैक सपोर्ट है, ना कोई उनके फैमिली से कोई आर्ट से बिलोंग करते हैं, सो ही हैज़ हिमसेल्फ कम बाय हिज ओन वर्क, जो खुद के मेहनत से, खुद के बल से जो इंसान आगे आता है तो वो मेहनत का कुछ मज़ा अलग ही होता है।
तो आज वो देखने मिल रहा है कि इतने बेहतरीन तरीके से इतने आर्ट्स जो पेंटिंग्स बनाए हैं, चाहे वो पेंसिल से हो, स्पेशली जो ब्लैक एंड वाइट जो सिर्फ पेंसिल एक पेंसिल से यूज़ करके बनाते हैं, तो उसमें जो मशक्क़त लगता है, जो पेशेंस होता है, तो वो काबिले तारीफ़ है। एंड स्पेशली गुलबर्गा जो कल्याण कर्नाटका रीजन से है, जो हम बैकवर्ड रीजन से है, यहाँ से लोग जो ऊपर आ रहे हैं, जो खुद अपनी कबीलियत पे आ रहे हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है कि आज गुलबर्गा का नाम रोशन हो रहा है, कल्याण कर्नाटका का नाम रोशन हो रहा है। तो ये जो आज एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो प्रोग्राम है, जो वो आगे इंशाल्लाह स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक जाए, मैं ये उम्मीद करता हूँ। एंड स्पेशली जो आप अगर आर्ट वगैरह देखेंगे, तो इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है, वो एक सोशली जो चैलेंजिंग चीज़ें हैं जो आज की सोसाइटी में, जैसे कि एनवायरनमेंट को लेकर देखिए, या फिर लड़कियों पे जो अत्याचार होता है वो देखिए, वो हर चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। एंड स्पेशली पेंटिंग को कहा जाता है कि जो पेंटर या फिर जो आर्टिस्ट है, जो दिल में रहता है, वो उसके आर्ट में अब दिखाता है। तो वो आज देखने को मिल रहा है काफ़ी बहुत ही अच्छे एंड एक हाई लेवल एंड एक प्रोफेशनल आर्ट आज देखने मिला है। गुलबर्गा शहर में बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत सारे दानिश्वर लोग हैं, और यहाँ पर बहुत सारे कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, जिन्हें गुलबर्गा शहर में एक प्रोफेशनल आर्ट गैलरी की ज़रूरत है। तो काफ़ी सारे आर्टिस्ट इसमें एक्टिविटीज़ करेंगे, तो हम चाहते हैं कि यहाँ के दानिश्वर इन चीज़ों के लिए आगे बढ़ें। और आप अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई भी आर्ट एक्टिविटीज़ अगर आप कर सकते हैं, तो सारे आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, हम आपके साथ जुड़ के काम करेंगे। बहुत सारे आर्टिस्ट आपके साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, तो इस टीवी के जरिए हम आपको सारी आर्ट एक्टिविटीज़ बताने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब आर टीवी। थैंक यू सो मच।